अस्सलाम वालेकुम, ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, आज के शो में हम बात करेंगे ईद के बाद मुल्क की सूरत हाल पे, जिसके तीन पार्ट्स हैं और हम तीन डिफरेंट एपिसोड्स में इस पे बात करेंगे क्योंकि एक एपिसोड में तो वाइंड अप होने वाले नहीं हैं। इसमें जनरल से गुफ्तगू होगी जिसके लिए हमने डमी म्यूज़ियम से बुला रखा है मुख्तलिफ मेहमानों को। आइए उन सब से मिलते हैं और बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आप सबको ईद मुबारक। देखो मेरी गल सुनो, पहले अपना तारुफ करवाइए फिर मैं आपकी बात सुनती हूँ। मैं यही कहने लगा था, तुझे बड़ा मुख्तसर जो तारुफ कराया है। नहीं, मैंने तो तारुफ करवाया ही नहीं है, अभी तो आप लोगों से मिलना है। आप खुद अपना तारुफ करवाएं कि आप कौन हैं। मीए दिनारे वजने ते वजने ने दोबारा रंग सजने ते सजने ने मीए दिन एक बिठा दियो मीए दिनारे ओ लेख दा खाजा सरा है मीए दिनारे वजने ते बस कर दे, चुप कर जाए अब आप। जी आप बताइए। मैं तो गरीब औरत हां, मैनु ना नून लीग ने कुछ देता, ना पीटीआई ने ते ना पीपल पार्टी ने। साढ़े हालात 73 साल तो एनजी है। ये तो पाकिस्तान का रोना रो रही है ना आप। हाँ। अब अपने बारे में बताइए, रहती कहाँ हैं? ये दरख्त दी टहनी ते रहंदी। बे पठा यूनियन दे सदरा चुप कर जा, मैं गल कर रही गल कर मैं भगवानपुरे रहनी हां, पिछो असि फैसलाबाद दे ते लाहौर मैं ब्याही हां। अच्छा, हां ईद भी साडी बेड़े गर्क हो गए। लाहौर तेरे ना ब्याह कीता किन्ने वे से ऐ ओ भी बड़ी वड्डी चवल तेरे वांगू नून लीग च आ ओ भी। वाह, ऐसे तुसी भी मेनू खान साहब तरह मजूस ही कर रहे हो। क्यों जी, वो ही नहीं ला रहा कोई। नहीं, आपकी बारी एंड पे है ना, नौजवान है आप। अच्छा जी, यंगस्टर्स को बाद में पूछते हैं। वैसे तुम्हारी तरतीब दे सदके जावा, स्कूलों की वारियां ही लगियां ना, कभी ओदी वारी ते कभी ओदी वारी। पॉलिटिक्स में मेरी बहन ऐसे ही होता है, आपकी तरतीब के सदके जाऊं। सानू ते कोई होर दसदे ने, जदों तकरीरां च कुछ होर दसदे आ। मैं भी बकवास करन आया, मेरी भी सुन ले माई। क्या तरतीब बनाई है, नून लीग पीपल पार्टी आखिर ते पीटीआई। मैं कोई नून लीग पीपल पार्टी ने, मैं पिछला वोट दे के पछताऊंदा ही हां। किसको दिया था? पीटीआई नु और किने? अपने शौहर के खिलाफ। मैं उनु पता नहीं लगने दा, अंदर खाते में देता। इस वक्त सुन रहा होगा, हुण लवे हुण ओ भी रोण दिया। उथे धरने च बैठी रही मैं 120 दिन। बाकी 6 दिन आप किधर गई? 126 दिन का धरना था। ओ 6 दिन किथे रही माई, एदा ते हिसाब दे। 6 दिन फिर मैं कदी पिंडी ते कदी इस्लामाबाद। जी आप बताइए। बताना क्या सर, तुहानू पता ही है जो निजाम होया पिया है। आज बड़े दुखी और बड़े बिटर लग रहे हैं आप। बस मेरा दिल टूट गया खान साहब तो। क्यों? बड़े ही स्लो है कहने यार। बस चीजों में वो बहुत स्लो है। 2 साल हो गए अभी को मुल्क नहीं हैंडल हो रहा, जिस मशीन का ना पता हो हाथ नहीं देना चाहिए। वाह जी वाह, ये पीटीआई टाइगर कह रहा है। भाई ना हूं मैं टाइगर शाइगर कोई नहीं, हूं तो मैं बंदर बन गया। क्यों, क्या हुआ? सानू मिले ही कुछ नहीं, हूं जी बेरोजगारी। यार बात सुनो, तुम लालची आदमी हो, इमरान खान ने आके तुम्हें कुछ देना था, उसने मुल्क को ठीक करना था, सबका फायदा होता, तुम्हारा भी होता, उनका भी, हमारा भी। भरावा महंगाई थे तो कंट्रोल करता, आटा वेख कितना महंगा हो गया। ये तो एक अलग बात है कि कंट्रोल नहीं हो सका, हर वो काम जिस पर इन्होंने हाथ डाला है पूरी तरह पिटे। वैसे जनाब मसला की खान साहब ने रौला की है। खान साहब को अच्छी टीम नहीं मिल रही। तो की मतलब खान साहब अन्ने ने नजर नहीं आता क्रिकेट के हॉकी के बंदे वाले ने। देखिए जी, तब्दीली आते आते वक्त लगता है। अच्छा जी, पहले अपना तारुफ करवाइए। मेरा तो पीटीआई के साथ लाइफ टाइम संबंध है। मैं देखिया थानू उथे धरने जी, तुसी ना कंटेनर दे के बहुत नचे हो। हां जी, मैं नहीं नाची, वो और लोग थे, आपको क्या हो गया? डांस दे आया ना धरने च, ये जो आप कर रहे हो ये क्या है? ये डांस नहीं, इसको लुड्डी कहते हैं। मैं आया क्या आया, जिस दिन मैं सामने इस धरती पे पैर पाना है, नैब वाले ने खड़े होना कहा, आ जा बेटा। नैब की मजाल है? नैब की मजाल क्या है, वो नैब बताएगी आपको। बड़ी इन्होंने कोशिश की थी नैब के पर काटने की। जी नैब के पर काटने की, आफ्ताब साहब आपकी बात से और भी एक बुनियादी सवाल उभरता है कि ठीक है, हुकूमत की नाहली या जिस तरह आपने जिक्र किया, जिस भी चीज़ पे हाथ डालते हैं तो उसमें मसले ही निकलते हैं, उसके बावजूद अपोजिशन के पास हमें वो दम नजर नहीं आ रहा। अभी जिस तरह उन्होंने ऐलान किया है कि ईद के बाद हम मुश्तरका तौर पर हुकूमत के खिलाफ एक हुकूमत को टफ टाइम देंगे, पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमीत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप ने। अच्छा, ये तीनों सियासी जमातें हैं, इनके आप इंटरेस्ट देख लें वो अलग अलग हैं। जैसे पीपल्स पार्टी एक हद तक ही आगे जा सकती है, उसे पता है कि सिंध हमारे पास स्टेक में है। अच्छा, नून लीग के खुद जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ करप्शन के मुकदमात हैं, वो भी फ्रंट फुट से बाहर निकल कर नहीं खेलना चाहते, शहबाज शरीफ उसकी मिसाल है। फजल रहमान के साथ ये लोग अक्टूबर 2019 में फजल रहमान बाकायदा तौर पर यानी कराची से शुरू हुए और इस्लामाबाद तक गए, वाज़ेह तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने उनका साथ नहीं दिया। तो अब भी जो उन्होंने ऐलान किया है कि मुस्तकबल में ईद के बाद हम टफ टाइम देंगे, मुझे खुद दूर दूर तक नजर नहीं आया। जी हाँ जी हाँ, दिस अपोजिशन इज द ओनली ब्रीदर फॉर इमरान खान। बिल्कुल ये है ही नहीं, कोई है एक नहीं। ऐसी अपोजिशन जो खुद शर्मिंदा शर्मिंदा है, डिसिल्यूजनड है,
अपनी लीडरशिप से। ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे अपोजिशन वाले अनाड़ी हैं, नालायक हैं। आपकी क्रीम है पॉलिटिक्स की इस वक्त अपोजिशन में। नवाज लीगी MPs MNs को देखिए, सियासत उनके रगोपै में समाई हुई है, वो हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन अंदर से शर्मिंदा है कि हम तो नहीं समझते थे कि हमारी लीडरशिप ये सब कुछ करेगी। अगर करना भी था तो पक्के पैरों पे करते। इस कदर नाकिस तरीका, कोई कैलिबरी फाउंड पे पकड़ा जा रहा है, कोई कतरी खत पे पकड़ा जा रहा है, कोई भैंस पाल स्कीम के तहत चल रहा है, किसी की शुगर मिल पकड़ी जा रही है। कोई एक मसला हो तो, और दूसरी तरफ देख लीजिए पीपल्स पार्टी वाले, वो के उधर डिसिल्यूजन होने वाले बहुत थोड़े हैं, लेकिन जो हैं वो इंतहाई पढ़े लिखे हैं। मसलन कौन कौन सा? जो इनके कोर ग्रुप में थे, जो बीबी के इंतहाई करीब थे। अब मेरा दिल चाह रहा है मैं नाम लूं उन लोगों के। ले आओ ना, कोई नहीं रोड़ा एडा। नहीं, जमहूरियत है। वो अगर खुद नहीं पसंद करते, क्योंकि इस वक्त जो क्यादत है ना पीपल्स पार्टी की, वो लठ मार क्यादत है, वो पसंद नहीं करती तनकीद को। वो लोग बहुत दुखी हैं। ये जरदारी साहब वाला एक अजाब हम पर नाजिल है। पीपल्स पार्टी देख लीजिए, उसका सत्यानाश करके रखती। सिंध में उसकी हुकूमत है, लेकिन आप सिंध के हालात देख लीजिए। अपोजिशन तो फिर हमने की थी ना। आपने अपोजिशन बहुत अच्छी की, आपका लीडर तगड़ा था, ईमानदार था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नालायकों का टोला है उसके गिर्द इकट्ठा हुआ, उसे मुल्क चलाना ही नहीं आ रहा। ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ। ਫੌਜ ਕਿਉਂ ਆਏਗੀ? ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਆਈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲਤ ਔਰ ਬਦਨਾਮੀ ਕਾ ਤੌਕ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਮੇਂ, ਵੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸਕੋ ਸਮੇਟ ਲੇ ਤੋ ਬੜੀ ਗਨੀਮਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਬਾਤ ਥੀ ਖਾਤੂਨ, ਪਹਿਲੇ ਫੌਜ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਤੀ ਥੀ ਔਰ ਆ ਕਰ ਉਸਨੇ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਖੂਬ ਚਖਾ ਔਰ ਚਖਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਫੌਜ ਕੋ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸੇ ਕੁਲੀਏ ਕੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਵੋ ਯੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ मैनेजमेंट ये एक बाकायदा काम है जिसको सिर्फ कारीगरी कर सकते हैं, हर एरा गैरा नहीं कर सकता। फौज इस काम के लिए ट्रेंड नहीं है, इवन आपके पॉलिटिशियंस नहीं कर पा रहे, फौज तो बहुत दूर की बात है। चुनांचे फौज का एक काम है शराकत। इक्तदार में फौज ने हमेशा शराकत रखी, किसी ने उसको कम हिस्सा दिया और खमियाजा भुगता, किसी ने ज़्यादा हिस्सा दे दिया उसका खमियाजा भुगता, दोनों तरह से। लेकिन फौज आपको गाइड कर सकती है, फौज आपको हेल्प कर सकती है मुख्तलिफ चीज़ों में। सैलाब आता है आपको फौज याद आ जाती है, फौज अगे होंदी साहब। आपने मरदमशुमारी करनी है, खाना शुमारी करनी है, आपने बिजली के मीटर्स चेक करने हैं, आपने पोलियो तक में आपको फौज की ज़रूरत पड़ जाती है। तो पीस टाइम एक्टिविटी फौज की बेपनाह है। फिर तामीर व तरक्की में फौज का एक बड़ा किरदार है। लेकिन अगर आप कहें कि फौजी आकर हुक्मरानी करें, तो पहली बात तो ये कि अब एक्सेप्ट ही नहीं करना उन्हें किसी। नंबर टू, वो खुद सियाने हैं, वो कभी इक्तदार में नहीं आएंगे। सर अभी आप ऑपोजिशन की बात कर रहे थे कि माना दे डोंट स्टैंड ऑन अ प्रॉपर ग्राउंड, लेकिन सर कि पुअर परफॉर्मेंस को चैलेंज तो करने वाला कोई हो? चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन एक फुसफुसा सा चैलेंज। देखिए इन्होंने FATF पे क्या किया और ऐसी ऐसी बड़कबाजी की। आप जरा सुनिए आसमा शिराजी को इंटरव्यू देते हुए साबिक वजीर आजम अब्बासी ने क्या कहा। ऐसे कवानीन जिन्हें वो इंतहाई अबोमिनेबल समझते थे, उनके साथ फिर इत्तफाक करके बैठे हुए। उनका ख्याल था कि नैब के पर काटे जाए, नैब को मॉडिफाई किया जाए, ठीक किया जाए, वो भी नहीं हो सका। उनका ख्याल था कि ये जो कवानीन हमें रिकमेंड किए जा रहे हैं कि आप ये करें मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के हवाले से, ओनरशिप के हवाले से, उनके बारे में भी उनकी राय अजीब व गरीब थी। सारा कुछ पास हो गया। ये ईद और हज की मुबारक के बाद अगर कोई मुबारकबाद ये मुल्क डिजर्व करता है तो FATF के हवाले से है कि हमने कम से कम लेजिस्लेशन तो कर ली, अदरवाइज वी आर अ हाउस डिवाइडेड। वैसे जिड्डा काबिल आदमी ना, इन मुशीर होना चाहिए था, यकीन कर। किसका? नून लीग दा। मैं पागल हूँ? मैं कहना तुमने मुशीर होके क्या कर लिया? तुसी की कहने हो मियां दे बारे? मियां नवाज शरीफ, हाँ जी, वो बहुत प्यारा आदमी है, लेकिन परफॉर्मेंस टेरेबल। टेरेबल, लेकिन नून लीग ने, नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत के दौरान 2013 से 18 तक अपने वोट बैंक को सस्टेन ही रखा। उनका वोट बैंक यानी जो ताजरों का था, दुकानदारों को अक्सरियत, बिजनेसमैन, जैसे तवानाई का मसला उन्होंने हल किया, एनर्जी का, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें नज़र आया। जरदारी दौर में तो हमें ये चीज़ें भी नज़र नहीं आ रही थी। नवाज शरीफ ने एटलीस्ट अपने जो अर्बन उसका मिडिल क्लास वोट बैंक है उसको तो अपने साथ रखा ना। उसकी वो क्लास ऐसी है
जिसको उसने मेंटेन किया, साथ रखा अपने, और इसमें कोई शक नहीं, और ये उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन देखना ये है कि एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, ये हुई ना असल बात। एक चीज जो 50 रुपए की थी वो 50,000 में ली है, खमियाजा तो फिर अब हम भुगत रहे ना। लेकिन इसके बावजूद नजर तो आ रही है वो, चाहे वो अंकल जितनी भी महंगी खरीद के लाए, बच्चे तो यही कहेंगे कि दिस अंकल इज द मोस्ट जेनरस अंकल। तो वो बच्चे ये हैं, वो बैठा परे। ये कहां से बच्चे हो गए? ये ज़हनी तौर पर तिफले मकतब ही हैं। ये डेवलप नहीं करेंगे कभी। अगर आज भी कुछ लोग जरदारी और बिलावल को देखने के बावजूद कहते हैं कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। ये जो ज़हनी तौर पर मैं समझता हूँ जिनकी डेवलपमेंट रुक गई है, पोलिटिकल डेवलप, मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई वाले बहुत एनलाइटेंड है, पीटीआई वाले कम से कम करप्शन को गाली तो देते हैं ना, बिल्कुल, ये एक बात है। लेकिन इन्हीं के अंदर जो काली भेड़े बैठी हैं वो सारी की सारी किए किराए पे पानी फेरती हैं और कप्तान की नाक तले सब कुछ हो रहा है। देखें जी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता क्यों निकल रही है? खान साहब ने इन्हीं गल्लां को की थी पहले। कोई इंकलाब एकदम नहीं आता सर। वैसे इंकलाब क्यों नहीं आ रहा? इंकलाब तो फ्रेज ही रिडंडेंट हो चुकी है। इंकलाब नहीं आना, एवोल्यूशन है, स्लो। यही वजह कि इमरान खान ने एक नई फ्रेज इंट्रोड्यूस करवाई थी, तब्दीली की, चेंज की, वरना वो कहता रेवोल्यूशन इंकलाब। लेकिन सर वो तो तब्दीली भी नहीं आई। हाँ जी, तब्दीली भी जाहिर है अभी तक नहीं आई। यही वजह है कि इतनी बिटरनेस है। आप देख लीजिए, ये पीटीआई का डाई हार्ड वर्कर, मैं पीटीआई का बहुत बड़ा सपोर्टर, पीटीआई का नहीं, मैं इमरान का सपोर्टर था, अब मैं बहुत स्केप्टिकल। आफताब साहब, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, आप लोगों को पता नहीं चल रहा। असल में अच्छा, तब्दीली आ गई, मेरे बंदे नू काम तो जवाब हो गया। हेठ कहते सानू कुछ आएगा तो तानू देंगे, जाओ अपने घरों करी। वो इनकी बदकिस्मती देखें, ऊपर से COVID-19 आ, ये बात यहाँ आ रही थी मैं। देखिए इसमें तो इमरान खान का हाथ नहीं है। COVID-19 आने तक, यानी फरवरी में पाकिस्तान में आया COVID-19, उससे पहले पाकिस्तान की मशीन कहाँ जा रही है? इस बिटरनेस में ना, इस जो अभी बिटरनेस का जिक्र हो रहा है, जैसे ये मायूस हैं या पीटीआई की ओर भी हमें मायूस हैं, इसमें खुद इमरान साहब भी जिम्मेदार इसलिए हैं कि आप देख लीजिए 25 जुलाई 2018 से पहले इमरान खान साहब कहते थे 100 दिन का एजेंडा, 100 दिन होंगे ऐसे में कर दूंगा, इतनी नौकरी आ जाएंगी, इतने मकान बन जाएंगे, इतने लोगों को रोजगार मिल जाएगा। उन्होंने खुद ऐसी हाइप क्रिएट की, खुद ऐसे वादे किए कि 25 जुलाई 2018 के बाद एक नया पाकिस्तान वजूद में आने जा रहा है। ये बात दुरुस्त है, इमरान ने अपने डाइजेस्टन देखे बगैर बाइट बड़ी कर ली। इमरान की बाइट बड़ी थी और डाइजेस्टन के मामलात को उसका इदराक नहीं था, बट दैट डज नॉट मीन कि उसकी नीयत खराब थी या कोई बड़ा अहमक था वो। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें इंप्रूव होती हैं, ये सारा कुछ अपनी जगह पर, लेकिन असल मामलात कुछ और हैं। सर हम यही जानना चाहते हैं कि असल मामलात क्या हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान एक खुश ख्याल आदमी, उसके नीट क्लीन होने में कोई शक नहीं, वो करप्ट ना था ना है, और मुझे यकीन है कि होगा भी नहीं, क्योंकि दुनिया दो तरह के लोगों में मुनकसम है, एक वो जो फाइनेंशियल करप्शन करते हैं और एक वो जो नहीं करते। मैं बात फाइनेंशियल करप्शन की कर रहा हूँ, दीगर मामलात जो हैं हम उन्हें डिस्कस ही नहीं कर रहे, वो बंदे का अपने पर्सनल होते हैं। इमरान का जहाँ पानी मरता है ना, जहाँ इमरान एक इंतहाई कमज़ोर विकेट पे खड़ा नज़र आता है, वो है पाकिस्तान की मौरूजी सूरत हाल से यकसर बेबहरा है वो शख्स। एक बात गौर से सुन लीजिए, फिर बहुत सारी चीजें आपको इसके तनाजुर में समझ आने लगेंगी। नंबर टू, इमरान डिवाइन राइट पे बिलीव करता है, वो समझता है कि मैं एक शहजादा था, पैदा हुआ इक्तदार के संघासन पे, तो मुझे बिठाना ही बिठाना था इन लोगों ने। तीसरा, वो पॉलिटिकल एनिमल ही नहीं है, मतलब सियासी समझबूझ जो है, एक तो है ना सियासी मौरूजी हालात से यकसर बेबहरा, ये तो एक स्टेटमेंट है, यहां बहुत से लोग होंगे मतलब जैसे वो है, ये मुल्क की मारूजी हालात से वाकिफ नहीं है, लेकिन इसको सियासत की भूत फेरियां बड़ी आती हैं, इसको पता है कि वार्ड में वोटर कितना है, इसको पता है कि कितने वार्ड से यूसी बनती है, इसको पता है कि कितनी यूसियां मिलके, यूनियन काउंसिल्स मिलके मुझे MPA बनवा सकती हैं, और इसको ये भी पता है कि कहां मैंने खरीदारी करनी है, ये भी पता है कितने बजे मैंने पोलिंग रुकवानी है, बलवा करके, अड्डा करके,
عورتوں کی طرف سے میں نے کیا کہا, یہ ساری کی ساری ٹیکنیکس ہیں. شناختی کارڈز کا استعمال کس طرح کرنا ہے, پرچی کس کو کہتے ہیں, ان چیزوں کو سیاسی چلاکیاں کہتے ہیں. عمران خان کو, اس کی ٹیم کو, یکسر یہ نوجوان ہے اس جیسے لا تعداد ہیں, 60% آپ کی آبادی اس ایج کی ہے, اور اس نے عمران کے لیے, یہ میں آبویسلی سمبولکلی کہہ رہا ہوں, یہ تو ڈمی میوزیم سے آیا ببو رانا ہے نا, لیکن یہ طبقہ آہستہ آہستہ ڈس ایلوژن ہوتا چلا جا رہا ہے. اس طبقے کو یوٹیلائز ہی نہیں کر سکے لوگ, کیوں نہیں کر سکے, یہ خود بھی نالائق ہے. آپ مجھے بتائیں, جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا میرے بھائی, کیا آپ کو پتا ہے کہ یو سی ناظم کیا کیا کچھ کرتا ہے؟ سارے تو بڑیاں چلاکیاں دے کام ہیں, ساروں نہیں آتے. تو بھائی اگر ان کے ساتھ لڑنا ہے نا, اگر یہاں پر وہ سیاست کرنی ہے جو چل رہی ہے, تو پھر یہ چیزیں جاننا ضروری ہیں. حالانکہ میں یہ غلط درس دے رہا ہوں, لیکن ایک گند کے اندر لڑنا ہے تو آپ کو گندا ہونا پڑے گا. بالکل. اور آخری بات یہ کہ عمران جس بس کا مسافر ہے نا, وہ جس دشت کی سیاحی کر رہا ہے, وہ اس سسٹم کے ساتھ لگا ہی نہیں کھاتی, وہ اس سسٹم کا کھلاڑی نہیں ہے. اس کا یہ کہنا کہ میں تبدیلی لے کر آ رہا ہوں, یہ ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. 73 سال سے ذلت اور رسوائی کا جو سفر چل رہا ہے, اسے ختم ہونا چاہیے تھا, لیکن کیسے؟ یہ تھا وہ بائٹ جو وہ لے بیٹھا. اب خان صاحب کی پوری ریسیپی, ریسیپی آف چینج کا ایک بنیادی انگریڈینٹ تھا نشان عبرت. اس نے بنانا تھا نشان عبرت, کس کو؟ میاں نواز شریف کو, شہباز شریف کو, زرداری کو. اور تم ان کی ہوا کو نہیں چھو سکتے, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. صحیح گل ہے, 50,000 روپے کا اسٹام دے کے اگلے باہر بیٹھے تھے, اور اس اسٹام کو پھر انہوں نے یاد ہے کیا کر کے دکھایا تھا؟ ہاں جی, بتی بنائی سی. اور میرے لیے اتنی بڑی یہ تحریک ہے, انشاءاللہ میں بھی بائی روڈ جاؤں گا, کہ میرا رومانس ٹرین کے ساتھ زیادہ. نہیں نہیں, بائی روڈ جاؤ, موٹر وے بن گیا, بڑا بہت اچھا راستہ. اور سکھر تک تو نری یشی, اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ میں جگہ جگہ رک رک کے مزے مزے کی جگہیں. پاکستان تو ویسے, پاکستان کوئی ہمارے لیے ریزورٹس نہیں ہے رستے میں, کوئی شاندار جگہیں ہرگز نہیں ہیں, لیکن پیار اس کے ساتھ اتنا ہے یار, یہ ہم ہیں, یہ ہماری دھرتی ہے. تسی جدھر بائی روڈ جاؤ, میں نو خادم نو آرڈر لانا, تہاڈو پروٹوکول نہ لے کے جاواں گے. کیوں, مجھے نہیں چاہیے پروٹوکول یار, اچھی میں چھپتا پھرتا ہوں, میں تو منہ پہ ماسک پہنتا ہوں جہاں نہیں بھی پہننا ہوتا. کیوں ہے, تسی کیڑا کرپشن کیتی, تسی کو لوگ دے پھردے ہو؟ اس لیے کہ لوگوں کے ساتھ پھر بیٹھ کر تصویریں, سیلفیاں, وہ بڑا پیار کرتے ہیں ان شوز کے ساتھ. اسے آپ سوال کریں کہ یہ پروٹوکول آپ کو کہاں سے دے سکتے ہیں؟ کیوں پروٹوکول آپ کو پیپلز پارٹی دے سکتی ہے جب آپ سندھ میں انٹر ہوئے, ان کے پاس کیا ہے سر؟ سندھ دے وچ ساڈے تعلق نہیں گئے, ہر جگہ ساڈے تعلق نہیں. حکومت آپ کی نہیں نہیں, یہ جو بات کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں. اچھا, یہ فون کرے گا کسی کو جو ان کے سامبو ہے نا, سامبوز آر دیئر ٹو سٹے, ان کے پاس اپنے ڈالے بھی ہوتے ہیں, ڈبل کیبنز ہوتی ہیں, پراڈوز ہوتی ہیں, معاملوں میں تو گن مین ہوتے ہیں, وہ پہنچ جائیں گے. یار میاں صاحب ذرا دس دینا ہے, تانوں بڑا پیار کرتے ہیں میاں صاحب, تانوں ہو کی گئے بخدا. میں بھی میاں صاحب ان کی فیملی, میرا بڑا دوستی کا تعلق ہے ان سب کے ساتھ. اگر میں آپ کو بتا دوں نا جی, میری کتنی دوستی ہے ان کے ساتھ, لیکن یہ بات اصول کی ہے. اور سب سے عام بات, یہ میں آج ایک طرح سے کنفیشن دے رہا ہوں, میرا خیال ہے میں پہلے بھی دے چکا ہوں, آن ایئر دے چکا ہوں, ایک باری پھر دے دو, کہ ان سب سے زیادہ دوستی میری زرداری صاحب کے ساتھ ہوا کرتی. بی بی کے وصال کے فوراً بعد میرا بڑا گہرا تعلق تھا ان کے ساتھ, لیکن اس وقت تک میں اس خام خیالی کا شکار رہا کہ نہیں نہیں نہیں, اس بندے نے پاکستان کھپے کہہ کر ایک بہت بڑی تباہی کو روک لیا ہے, یہ تو تاریخ رقم کرے گا, یہ تو یہاں کا نیلسن منڈیلا بنے ہی بنے. سر تاریخ ہی رقم کی ہے بس, پھر اس نے وہ تاریخ رقم کر, روشن تاریخ نہیں رقم. بالکل, اس نیلسن منڈیلا نے لوگوں دے ڈیلے باہر کڑاتے سن, یاد نہیں کرنا. میں تے خاص انہوں کھلا چھڑتا, میں انہوں نے کھلا چھڑی ہوں, بڑا خطرناک ہی اس کا مشین. میں ان تے ان توجہ, میں بچے توجہ دے رہے ہیں, اپنی مشین چلا رہے ہیں, جو کی اتنے باہر بہ کے الٹر دا کام کر رہے ہیں, الٹریشن دا. عید ساری تسی پوچھا ہی نہیں بھی کدھر گزری ہے. ہاں جی بتائیں نا, عید کیسے گزری؟ بیڑے گرک ہو گیا, اگلے نے تنہا نہیں دیتی, دکانہ بند, بندہ میرا دکان تے جاندا ہی, عید والے دن وڈا منڈا میرے چھت تو ڈگا, تھلے رضائیاں پئیاں, بچ گئے نے پٹاکا پے جانا. بچوں کا خیال رکھا کرے نا, میں بچیاں نوں رسی پا کے رکھا, 8 میرے بچے نے,
वैसे रस्सी तेरे पानी चाहिए थी। मेरी बात सुने, आठ बच्चे को तो क्या बोला? अगला तो शौक कोई नहीं बेहदा। थोड़ी जी और तगड़ी होंगी ना, तेरे 32 बच्चे होने उन्हें दो ताड़े पाए ने, 3 महीने होर काम ते नहीं जाना। अच्छा, और वैड़ी एक करन लगे गवांडी, उन्हें कहने लत फड़ी उन्हें मारी, वो आ बजी उदे एंज पाटा डेला, दो अखा वाला गुड्डा नहीं पाटता। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।